આ ગુજરાતી માં ભૂલી ગયું, કોઈ કોઈ વાર ચિંતા નહીં કરતા, કદી કભાર ઐસા મૂડ આ ગયા તો ગુજરાતી નહીં ભૂલ. શ્રીમદ ભાગવત નો સત્સંગ, ભાગવત કા સત્સંગ જન્મ જન્માંતર કે પુણ્ય કે બાદ હોય. यह आपका बड़ा सौभाग्य है कि पिछले 3 साल से प्रारंभ होकर 3 साल से वैदिक ऋषि संस्था एवं जनकल्याण समिति के द्वारा इस प्रकार के उपक्रम यहाँ हो रहे हैं. हर साल आपको साल के प्रारंभ में ही, वर्ष के प्रारंभ में ही आपको भागवत जी की कथा का श्रवण मिलता है, ये आप सबका सौभाग्य है. नए साल का प्रारंभ भगवान नाम के साथ. आपको वर्ष क्यों जाए, भगवान नाम आ जाए. नए साल का प्रारंभ हो और उसमें भगवान नाम हो, बड़े सौभाग्य की बात है. आज से करीब 18 साल पहले, मेरे ख्याल से 2021 साल में, किसी महाड़ा की धरती पर जहां पर भगवान महाड़ेश्वर आज भी विराजमान है, वहीं पर एक ग्राउंड हुआ करता था. ये आज अनुभव इतिहास है, वो बात अलग है. वहीं पर भगवान नाम लेने का, श्रीमद् भागवत की कथा का हमें एक दिव्य अवसर मिला था. जब श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई थी, हमारे सारे के सारे कच्ची परिवार, उन सब का, पटेल परिवारों का बहुत सहयोग उस वक्त भी रहा था. न सिर्फ पटेल परिवारों का, अभी तो अन्य कई महाराष्ट्रीय फैमिली भी और कई गुजराती परिवार, पंजाबी लोग, ये सब भी उस वक्त भी मिले हुए थे. और हमारी अपेक्षा है कि इस बार भी आप सब इन दोनों संस्थाओं को सहकार करते हुए नित्य कथा के लिए पधारें. भगवान नाम का यह जो महिमा है हमारे जीवन में, ये उसी की सत्ता है. भागवत का सबसे बड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि साक्षात ठाकुर जी ही भागवत का स्वरूप. यह भागवत का ग्रंथ ग्रंथ न होते हुए हमारे पति यानी हमारे भगवान, हमारे कंठ, उनको मिलाने वाला यह पंथ है जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए. ऐसा यह दिव्य ग्रंथ है. हम तो यहाँ तक मानते हैं, न सिर्फ मानते हैं, जानते भी हैं और मानते भी हैं कि 7 गुणों में भगवान का अनुभव अगर करना हो तो यह श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा ही ऐसा उपक्रम है कि जिसमें 7 दिनों में आपको भगवान का अनुभव हो जाए. आपको यूं लगे कि नहीं, आज तो साक्षात भगवान पधारे, साक्षात भगवान पधारे, उनके कुछ लक्षण हैं, भगवान आए, ऐसा हम कैसा मान ले, हम कैसे जान ले. भगवान के रूप की बात बताए, भगवान कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, तो बोले सच्चित आनंद स्वरूप है. 7 दिनों में इन तीनों में से भी किसी एक रूप का भी हमें अनुभव हो जाए तो समझ लेना आज भगवान आए. भगवान कैसे हैं, सत्चित आनंद स्वरूप.
सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद रूप है। कई बार ऐसी बातें आएगी जिसे सुनकर हमें लगेगा कि नहीं नहीं ये बात तो एकदम सही है या यही बात सही है। समझ लेना वो भगवान का स्वरूप है। कोई चित्त की बात आएगी, ज्ञान की बात आएगी, ज्ञान का अनुभव होगा, ये होगा कि नहीं ये तो हमें मालूम ही नहीं था, क्या ये ऐसी बात है। समझ लेना आज भगवान इसी स्वरूप में है। और कभी कभार आनंद की लहरें उड़ती उड़ती आ जाए, ऐसी कोई लहर आपको छू ले, समझ लेना आज भगवान है। भगवान का स्वरूप ही सत चित और आनंद रूप है। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण से भगवान के दर्शन, भगवान का अनुभव, भगवान की अनुभूति सातों दिनों में होती ही है। और साल में पहले हफ्ते में ऐसी दिव्य कथा मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, सही में हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत जिस कथा के पूर्व में भागवत का महात्म्य बताया, भागवत का महात्म्य स्कंद पुराण में बताया है और भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में भी बताया है। हम क्या बात करें, हमारे मन में कई ऐसी बातें एक साथ उभरती है, ऐसे होता है कि ये कथा बताए, वो कथा बताए, कितनी कथाएं बताए। अपने घर में बैठे हैं ना, इसलिए मन में कई कई बातें ऐसी आती है। स्कंद पुराण में बहुत बढ़िया सा महात्म्य बताया है, पद्म पुराण में तो बताया ही बताया है, स्कंद पुराण में भी बताया। और दोनों पुराणों में एक बात बताई है कि ये श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। एक बात आती है, जब सुखदेव जी महाराज कथा करने बैठे थे और परीक्षित महाराज कथा सुन रहे थे, उस वक्त सारे के सारे देवता आए और देवता आकर प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज से कि भाई ये कथा आप हमको सुनाइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई आपको हम क्यों सुनाएं। देवताओं ने कहा कि आप जो चाहेंगे वो हम आपको देंगे, लेकिन आपको यह कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं हम क्यों आपको सुनाए, बोले आप इसको क्यों सुना रहे हो, बोले परीक्षित महाराज को इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आज से 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए हम उसको भगवान का नाम सुना रहे हैं। देवता कहने लगे एक काम करते हैं, हम आपको एक आइडिया देते हैं, एक काम कीजिए आप हमको भागवत की कथा सुनाइए और बदले में हम आपको अमृत का ये पूरा घड़ा दे देते हैं। ये सब आप सारे के सारे कलश लेकर आए हैं, ये अमृत से कम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के स्वागत में आपने उठाए हैं इन कलशों को, आपने जो उठाए सर पर भगवान के स्वागत के लिए, हमारे ठाकुर जी पढ़ा रहे हैं, हमारे भगवान पढ़ा रहे हैं। परीक्षित महाराज जिनकी मृत्यु है तो कह दीजिए ये अमृत का घड़ा है, ये अमृत पी ले, परीक्षित महाराज अमर हो जाएंगे और हम देवताओं को कथामृत की जरूरत है। तो वे लोग देवता लोग कथामृत का रस पान करें, कथा का पान करें, हमारी कितनी सरस सेवा करें, वो सारी बात है। पर अपने अगर दो कलाक रहे ना पिए तो चालू मापी को जरूरी लगे नहीं चल से
માડી હમણાં નહીં આપતા બધાને, પછી દેજો. કેટલું પણ એને એમ કે હું અમૃત પાઉં બધાને, આ અમૃત છે. અયક કિરાલમ અમૃતમ, સંસ્કૃતમાં જલ કે લીએ શબ્દ હે અમૃત, અયક કિરાલમ અમૃતમ. અમારા કોશ કહે શ્લોક જે ઠીક છે, બચપન મેં પડા અયક કિરાલમ જલ તો અમૃત. લેકિન બાત ક્યા હુઈ, યે તો બાત પૂરી નહીં હુઈ, નહીં તો ના આપ જલ દેતે ઓર ના આપ પીતે. પરીક્ષિત મહારાજ ને સાફ મના કરી, બોલે અમૃત આયે તો ભી કથા કે બીચ મેં અમૃત પીએંગે, યે તો જલ હૈ. પરીક્ષિત મહારાજ ને કહે કે દિયા કે આપ અમૃત ભી નહીં પીએંગે. અરે ભૈયા તુમ પી લો, આજ સે સાતમે દિન તુમ્હારી મોત નિશ્ચિત હૈ, તુજે તક્ષક નાદ ડસને વાલા હૈ, તેરી મોત નિશ્ચિત હૈ, તું મર જાયેગા, ખામ ખા યહી મર જાયેગા, ઉસસે અચ્છા હૈ કે કુછ ઓર સાલો તક શાયદ તું અમર હો જાય, અમૃત પી લે. પરીક્ષિત મહારાજ ને પ્રશ્ન પૂછા, મુજે બતાઈએ કે ભાઈ ઇસ અમૃત સે ક્યા મિલેગા ઓર કથામૃત સે ક્યા મિલેગા. सुखदेव जी महाराज ने बात बताई कि इस कथामृत से तेरा जीवन दिव्य बनेगा, दिव्य जीवन होगा, और उस अमृत से बोले उससे दीर्घ जीवन होगा, और तुम्हारा आयुष्य लंबा हो जाएगा, सालों साल तक तुम जियोगे, कोई आपत्ति नहीं रहेगी. परीक्षित महाराज ने कहा कि सालों साल जिक्र करेंगे क्या, હાલો બધાને એમ કહેવામાં આવે બધા તમે 500 વર્ષનું આયુષ્ય, ચાલો કોને જીવું, જરા હાથ ઊંચો કરો. અગર આપકો 500 સાલ કા આયુષ્ય મિલ ભી જાય તો કરેંગે ક્યા, કરેંગે ક્યા. દુહાઓ બનવાનું, દોષિયો બનવાનું, આપણે નાખીને બહાર બેઠા હોય પછી પેલા કે આ રામ બોલો ભાઈ રામ, એ કોણ નીકળા, રામ બોલો ભાઈ રામ રામ, એ કોણ નીકળા, બોલે એ તો આપકે પોતે કા ભી પોતા. 500 साल के आयुष्य में तो कितने 15-17 पीढ़ियां हो जाती है आपकी, क्या इन सबको देखने के लिए जीना है. ज्यादा दीर्घ जीवन नहीं चाहिए, दिव्य जीवन चाहिए, डिवाइन लाइफ. हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, हमारा जीवन अच्छा बने, उत्तम बने, कितना जीते हैं यह जरूरी नहीं है, लेकिन हम कैसे जीते हैं, हमारा जीवन कितना दिव्य होता है, अवश्य रूप में जरूरी है, निश्चित रूप से जरूरी है. जगत के महापुरुष अगर आप देखेंगे, क्या वो बहुत ज्यादा जी है इसलिए वो महापुरुष बने हैं. जीवन हो, शतायु हो, अच्छी बात है, 100 साल तक हम जिए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा यह है कि भले ही हम थोड़ा जिए लेकिन अच्छा जिए. क्षणिकम ज्वलितम श्रेयः श्रेयान न च धूमायितम चिरम, थोड़ी देर जले, ठीक से जल जाए, घंटों घंटों तक जलना चालू रहे, सिर्फ और सिर्फ उसमें से धुआं ही निकलता रहे, उससे तो अच्छा ये है कि थोड़ा ही जले लेकिन अच्छे से जल जाए. कल्ला को खुद आठ 10 कल्ला को धुमाड़ो 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 चले रागे ऐना करा तुमको हो गए बोले थोड़ी को हल गए न च धुमाई तम चिरम. सुखदेव जी महाराज उन्होंने बताया कि अमृत से तुम्हारा दीर्घ जीवन होगा. परीक्षित महाराज कह रहे हैं हमको दीर्घ जीवन नहीं दिव्य जीवन चाहिए. आप देखें तो शंकराचार्य महाराज कितने साल तक जिए, मात्र और मात्र 32 साल. स्वामी विवेकानंद 39 कितने साल, उससे ज्यादा नहीं, 39 साल. आप जगत के महापुरुषों को देखिए,
आपको शायद मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, मुझे मालूम नहीं। हमारे वल्लभाचार्य जी जिनका यहाँ चित्र लगा हुआ है 52 साल, हम जो कहने जा रहे थे वो ये बात कि श्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, किसको मालूम है कितने साल जी है, कितना वर्ष जी है, कोई खबर छे नहीं मालूम है आपको? आप राष्ट्रभक्त कैसे बनेंगे? राष्ट्रभक्तों का चरित्र आपको नहीं मालूम होगा? मात्र 22 साल, 22वां वर्ष पहुंची गए, मैंने वागी गोली, मात्र और मात्र 22 साल शहीद भगत सिंह, हाँ लंबा जिए, कितना जीना है ये जरूरी नहीं है, उतने एक मर्यादित समय में हम अपना जीवन दिव्य कैसे बना दे, ये जरूरी। इसलिए परीक्षित महाराज ने कह दिया कि हमें अमृत नहीं चाहिए, हमें कथामृत चाहिए। और सुखदेव जी ने देवताओं को अमृत लेकर वापस लौटा दिए, उनको कथामृत नहीं दिया। देवताओं ने भी ठान ली कि हम भी देख लेते हैं कैसे महाराज परीक्षित का मोक्ष होता है, और सारे के सारे देवता इसी की राह तकते रहे, देखते रहे ये कब आए, कब हम देखें। और हुआ यूं कि करीब करीब सप्ताह के बाद जब परीक्षित महाराज उनकी मुक्ति हुई, सारे के सारे नंद सनंद अपनंद वगैरह जो भी भगवान के पार्षद थे वो उनकी पालकी उठाकर ले जा रहे थे भगवान के धाम में, गोलोक धाम में महाराज परीक्षित जा रहे थे, तब सारे के सारे देवताओं को विस्मय हुआ, उनको आश्चर्य हुआ। अरे कभी आपने सोचा भी है कि किसी को सांप डस ले और उसके बाद उसकी मुक्ति हो जाए? अगर सांप डस ले तो उसके लिए बहुत सारी विधि करवानी पड़ती है, नाग बलि करानी पड़े, सब बलि खबर नहीं कई कई बलियों करानी पड़े, सांप ने डस लिया और उसकी मुक्ति हो गई? नहीं, ये क्या काड़ोत्रो नोतो काली ठाकुर कहते आ गए थे, काड़ोत्राना रूप मान सांप के रूप में हमारे श्याम सुंदर सांप नहीं, और श्याम सुंदर खुद उनको लेने के लिए। भागवत जी सुनने के बाद यदि मृत्यु हुई है तो मृत्यु नहीं कहलाती है, वो तो मोक्ष कहलाता है। महाराज परीक्षित राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मितः, ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, ये कैसे शक्य हो गया? और ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू को बांधा, एक और श्रीमद् भागवत जी को रखा और दूसरी ओर जगत के सारे जितने भी पुण्य है, शास्त्र है, कर्म है, उन सब को एक और रखा और तराजू में जब तोला गया तो श्रीमद् भागवत जी का पड़ा तो भारी रहा, के सब हल्के रहे। तो ब्रह्मा जी भी मान गए कि इस भागवत में कुछ है, आंख बंद कर दी, चार मुंह है इसलिए 8 आंखें हैं, 8 आंख बंद कर दिए तो भगवान के 8 या 24 के 24 अवतार, सारे के सारे अवतारों के दर्शन एक एक आंखों से, तीन तीन अवतारों के दर्शन होंगे।
तो सारे के सारे 24 के 24 अवतार किसी में निहित है और परम ब्रह्म परमात्मा का यही वांग्मय स्वरूप है ये श्री ब्रह्मा जी ने जाना। लघुनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् मे निरे भगवद रूपम् शास्त्रम् मे निरे भगवत रूपम् शास्त्रम्। ये जो शास्त्र है वो कौन है? भागवतम्। भागवत शास्त्र क्या है? भगवत रूप है, भगवान का ही स्वरूप। सिर्फ इतनी बात, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, पद्म पुराण में बताई हुई और एक बात जिसमें बताया कि जब उद्धव जी ने ग्यारहवें स्कंद का श्रवण कर लिया, ये आपको मालूम है कि नहीं कि ग्यारहवें स्कंद का बहुत बड़ा महात्म्य है। श्रीमद् भागवत का सार यदि कोई है तो वो ग्यारहवां स्कंद है। भगवान का जो चरित्र है वो दशम स्कंद है। भगवान ने जो किया वह दशम स्कंद है और भगवान ने जो कहा वह ग्यारहवां स्कंद है। शायद आपको मालूम हो या ना भी हो, महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत एकनाथ। इन महापुरुष ने मात्र और मात्र 11वें स्कंद के ऊपर ही लिखा है, उसे ही एकनाथी भागवत कहते हैं। तो 11वें स्कंद का महत्व अति अद्भुत है और इसे जो सुन लेता है, जो समझ लेता है, जो जान लेता है, उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है। वो असंग हो जाता है, अपने आप उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ऑटोमेटिक एने बढ़ी जाए है ना, बीजू काय मेड़वानू बाकी हो रहे। अग्यारमो स्कंद वाची ले, बरोबर समझी ले तो। लेकिन बात तो अब शुरू होती है। उद्धव जी महाराज ने इस 11वें स्कंद को सुन लिया। किससे सुना? साक्षात भगवान से सुना। न सिर्फ सुना अपितु समझा भी, ठीक से समझ लिया। और सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी एकादशम परिश्रुत्यापि, ऐसा शब्द श्रुत्य अपि, सिर्फ श्रुत्वा नहीं परिश्रुत्य, ठीक से समझकर, इतना सुन लिया, इतना ठीक से समझ लिया, उसके बाद भी उद्धव जी से नहीं रहा गया और भगवान के पैर पकड़ लिए। भगवान ने कहा कि अब तो तुझे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, अब तुझे जित देखो जित श्याम, सब जगह पर श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। अब क्यों भी मेरे पैर पकड़े हुए बैठे हो, छोड़ दो हमें। और उद्धव जी पैर पकड़ लिए। उद्धव जी ने कह दिया, नहीं नाथ, नहीं, हम आपको छोड़ ही नहीं सकते और अब तो खास नहीं छोड़ेंगे आपको। बोले, आप चले जाएंगे इस भूलोक को छोड़कर, भूतल को छोड़कर, पृथ्वी लोक को छोड़कर, आप अपने गोलोक धाम में चले जाएंगे, उसके बाद इन सब भक्तों का क्या होगा, हमारा क्या होगा? और भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो भी दिव्य तेज था वह सारा का सारा तेज श्रीमद् भागवत जी में पधराया। और इसी वजह से श्रीमद् भागवत ये कोई साधारण ग्रंथ न होते हुए श्रीमद् भागवत के साक्षात भगवान का स्वरूप हो गया। और इसीलिए हम श्रीमद् भागवत को जब लेकर यहाँ आए तो अपने सर पर पधरा कर आए।
शोभा यात्रा है, कई प्रकार की निकलती है, उसमें हाथी घोड़ा सब रहता है, लेकिन भागवत जी कहाँ रहते हैं? सर पर। भागवत जी सर पर हो, क्यों? क्योंकि भगवान का वाहन मैं बनू, भगवान को मैं अपने सर पर ले लूं और भगवान को लेकर मैं ही आगे चलूं। भगवान की दिव्य कथा यहाँ पर आई जा रही है, और उसमें आई बात कि ये श्रीमद् भागवत साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात श्री वृंदावन बिहारी जी का स्वरूप है, या यूं हमारे पुष्टि मार्ग में उन्हें कहें तो साक्षात श्री जी बाबा का श्रीनाथ जी का स्वरूप है। और इसीलिए इसी कारण से जब भी भागवत जी पधारे जाते हैं तब तक उनका उत्सव मनाया जाता है, कितने बाजे बाजे के साथ सब लोग नाचते कूदते हुए, यहाँ बचपन की गरबाएं गाया है उन्होंने, हनुमान जी बिरिया तो गाया, फिर बाद में थोड़ा मैं गया था, बहुत बढ़िया अपना आनंद लिया। आज भी हमारे गांव में तो गुजरात में तो आज भी लोग सब गाते हैं और अपने सर पर लेकर सब लोग नाचते हुए चलते और कहते हैं श्री वड़ारी सज करुने गलाया उन्हें मारी, श्री वड़ारी सज करुने गलाया Yeah.
हम यहां तक भगवान को भागवत जी को लेकर आए, जिसका मुख्य कारण सर पर लेकर आए, इसका मुख्य कारण यही है कि यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप है और इसलिए अपने सर पर लेकर हम यहां पर आए हैं। श्रीमद् भागवत
कि भगवान का स्वरूप है और इसी कारण से इस दिव्य मंडप को भगवान का ही मंदिर माना जाता है। भगवान यहाँ पर विराजते हैं जहां, उसी को मंदिर कहते हैं। और इसी कारण से जब जब भागवत का समय हो, कथा का वक्त हो, उस वक्त भागवत जी के सन्मुख में चाय पानी भोजन, उसकी बात तो बहुत दूर की रही, लेकिन पानी भी नहीं पिया जा पाया। जैसे हम मंदिर में पानी वगैरह नहीं पीते हैं, एक मर्यादा होती है भगवान का। जैसे हम मंदिर में भोजन वगैरह नहीं करते, खाना वगैरह नहीं खाते, बस वैसे ही श्रीमद् भागवत जी की कथा के दौरान उस मंडप में, कथा के दौरान उस मंडप में न तो भोजन वगैरह करते हैं और न ही चाय पानी वगैरह भी पीते हैं। श्रीमद् भागवत का यह दिव्य अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। प्रथम दिन महात्म्य का गान करते हैं। आइए हम स्कंद पुराण के महात्म्य को थोड़ा देखें। हालांकि पद्म पुराण के महात्म को आप देखते ही हैं, लेकिन स्कंद पुराण के महात्म्य का अद्भुत महिमा है, उसे थोड़ा सुने, थोड़ा उसका ध्यान। श्री सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूपिणे श्री सच्चिदानंद घनस्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हे भक्तिरसाप्तयेमिषम्। नमो वयम् भक्तिरसाप्तयेमिषम्। भगवान जी को प्रणाम करके सूत पुराणी जी ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य गाया है, अद्भुत है। शायद आपने सुना भी हो। यहाँ ये द्वंद्वकारी और गोकर्ण वाली कथा नहीं है, इस महात्म्य में अद्भुत कथा बताई, भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाली ये कथा है। नैमिषारण्य में महाराज सूत पुराणी जी विराजमान थे। आज भी जहां नैमिषारण्य है, लखनऊ से करीब करीब 100 किलोमीटर होते हैं, वहां नैमिषारण्य में सूत पुराणी जिस जगह पर बैठते थे वो टेकरी है, उसे हिंदी में वहां सूत का टीला कहते हैं, गुजराती में टिंबू कहते हैं, माटी में टीला, सूत टीला। तो सूत जी वहां पर बैठते थे, 88,000 ऋषियों को कथाएं सुनाते थे। सुत पुराणी जहां बैठते थे उस भूमि की, नैमिषारण्य की यह बात है। कथा अमृत रसा स्वाद कुशला ऋषय ब्रुवन। ये ऋषियों ने कुछ प्रश्न पूछे। देखिए भाई, ये भागवत की, ये जो महात्म्य की कथा है, ये सबसे अलग है। इन ऋषियों ने प्रश्न पूछा
कि महाराज परीक्षित उसने और महाराज कृष्ण उनके प्रपौत्र की कथा वज्रम श्री माथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे अभिषिच्य गते रागिनी तव कथम किं च चक्रतु। भगवान के प्रपौत्र का नाम है वज्रनाभ। भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। तो खबर से ना। और प्रद्युम्न के बेटे का नाम अनिरुद्ध। आप सब अकारण में सुनते हैं, आपको मालूम है। ये अनिरुद्ध के पुत्र का नाम है वज्रनाभ। ये वज्रनाभ महाराज अब द्वारिका तो पूरी की पूरी डूब गई समंदर में, तो मथुरा की राजधानी, मथुरा की राजगद्दी पर वज्रनाभ का अभिषेक किया है, राज्याभिषेक किया है। किसने? युधिष्ठिर महाराज ने। और अपने पोते का यानी परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक किया है हस्तिनापुर। ठीक से सुनाई देता है? युधिष्ठिर महाराज यानी युधिष्ठिर और सारे के सारे पांडव, उसमें जो अर्जुन था, अर्जुन का बेटा जिसका नाम अभिमन्यु, और अभिमन्यु का बेटा उसका नाम है परीक्षित। तो अपना पोता जिसका नाम था परीक्षित, परीक्षित का राज्याभिषेक किया कहां? बोले हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर का राजा कौन हुआ? परीक्षित महाराज। और मथुरा देश का राजा कौन हुआ? वज्रनाभ। भाई समझ में आ रही है बात? नींद नहीं आती ना? हम जैसे बताने बरोबर हिंदी है जरा, हम भूल जो जरा तो खबर पड़े। परीक्षित महाराज और वज्रनाभ इन दोनों की एक कथा। हालांकि ये परीक्षित है वो जो वज्रनाभ के चाचा हो। अब वज्रनाभ तो बहुत छोटा था, तो ये साधारण रूप से परीक्षित महाराज की एक जिम्मेदारी हो गई थी कि उनकी कोई देखभाल करते रहे। तो एक बार परीक्षित महाराज के मन में यूं हुआ कि चलो वज्रनाभ को मिलने के लिए जाते हैं, वज्रनाभ वहां पर कैसे राज्य वगैरह चला रहा है देख तो ले। क्यों? क्योंकि वज्रनाभ के परदादा भगवान कृष्ण के हमारे परिवार पर बहुत सारे उपकार हैं। तो वो ठाकुर जी का ये पड़पोता है, प्रपौत्र है, उसको देखने के लिए जाए, उसे मिलने के लिए जाए चलो। तो परीक्षित महाराज वहां मिलने के लिए, और जाते तो अकेले थोड़ी जाएंगे। राजा निकलता है तो अकेला जाता है। आज कल के सब नेता होते तो भी दो चार गाड़ियां लेकर जाते, बड़े नेता हो तो और ज्यादा गाड़ी, और बड़े हो तो और बड़ा काफिला होता है। राजा परीक्षित अगर निकल रहे तो अच्छे से काफिले के साथ, अपने काफिले के साथ निकले।
जगाव मथुरा विभ्रा वज्रनाभ दृक्षया। वज्रनाभ को देखने की इच्छा से परीक्षित महाराज आए और जैसे ही सुना कि चाचा परीक्षित आ रहे हैं तो उनका सत्कार करने के लिए वज्रनाभ भी दौड़े, वे भी अपने काफिले के साथ। सब युग रुआ मंडे जाते एक लिए बिक्री हुए हैं बधाई लोग को हुए ना। हमारे गांव में किसी का स्वागत करने के लिए लोग जाते तो अकेले अकेले नहीं जाते, और घर के अगल बगल के पड़ोसी आस पास पड़ोसी सबको लेकर, अरे भाई चलो चलो उनका स्वागत करने के लिए जाइए। सब यू करवा माटे जाऊ जे बदले दिन जाए। वज्रनाभ महाराज भी चले तो अपने काफिले के साथ स्वागत करने के लिए, स्वागत किया है परीक्षित महाराज का बहुत बढ़िया, और प्रणाम किए। और रोहिणी वगैरह जो भगवान की पत्नियां थी वे भी, उन्होंने भी प्रणाम, उनको भी श्री परीक्षित महाराज जी ने प्रणाम किए हैं, और सारे के सारे लोग एक दूसरे से हिल मिल गए। आनंद 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 हो रहा है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि अरे भाई वज्रनाभ आप कुशल तो हो ना, अब जब सब लोग आ गए बैठे हैं तो सब पूरी सभा बैठी है, उस पर परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि तुम मजे में तो हो, आनंद में तो हो, तुम्हारा सब ठीक से राज्य वगैरह ठीक से चल रहा है ना। इस प्रकार से कई प्रकार से प्रश्न किए हैं, और तब परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे परदादा के जो उपकार हुए हैं हम पर वो तो इतने हुए हैं कि उन्हें हम कैसे कैसे करके आपको गिनाएं। जे मांग्यू ते आप्यो दुख पड़ता पहला काप्यो, प्रभु ने जो भी मांगा उससे पहले दे दिया। चित चरण कमल मास्ता प्यूरे ओ બાવન જ કર્યા, આપણા તો કેટલા પણ એ આપણને ગણ નથી, નરસિંહ મહેતા ને એનો ગણ છે એટલે એને તરત સામે દેખાય સામે આપણે સમજી શકતા, ઇતના હી ફર્ક હૈ। उन्हें सामने दिख रहा है ठाकुर, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे सारे के सारे कार्य वह कर रहा है, और हमें यूं लग रहा है कि ये सारे के सारे काम हम कर रहे हैं। ओ चुक्यो धर्म ने मारा पर आप चुक्या
परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मना कभी नकारियाते सुसेव्या किंतु मातरा कोश सैन्यादिजा चिंता तथा हृदमदादिजा। तुम थोड़ी भी कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। कौन सी चिंता हो सकती है तुम्हें? कोश की। तुझे यूं हो सकता है कि तेरे खजाने में बहुत सारे पैसे नहीं है, तो चिंता मत करो। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे परदादा के इतने उपकार है उन पर कि कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी तो हम तैयार है। तुम्हारे खजाने में शायद कुछ कम भी हो गया, चिंता मत करना। और दूसरी बात, सैन्य, तुझे अगर हमारे सैन्य की जरूरत पड़ी तो भी हम तुम्हारे लिए तैयार है। क्यों? हमारे पिताजी के पास ऐसा कुछ नहीं था, तो भी सिर्फ और सिर्फ आपके परदादा कृष्ण भगवान, हमारे पितामह, हमारे दादा श्री अर्जुन के साथ खड़े रहे, तो आपके परदादा के खड़े रहते ही हम पूरा युद्ध जीत गए। इसलिए पैसे की चिंता मत करना, सैन्य की चिंता नहीं करना, और दुश्मनों के द्वारा सताए जाने पर भी तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। किसने कहा? वज्रनाभ को परीक्षित महाराज कह रहे हैं। आज हम आ रहे थे तो हमें वो पंडित जी मिले महाड़ेश्वर के मंदिर में। उन्होंने मुझे बताया कि मास्टर जी आप तो अच्छे विद्वान हैं। मैंने बोला हम किस बात के विद्वान हैं, तो प्रणाम किए। बोले हम चाहते हैं कि हर साल अलग अलग पुराणों की आप कथा करें। और हमने उनको बोले, हमने बताया उनको भी हम अलग अलग पुराणों की कथा करने के तो लायक नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि भागवत की कथा करें, लेकिन हर साल अलग 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 प्रकार से होती रहे। आप भागवत ही पढ़े
भागवत ही सुने, लेकिन भागवत जी में इतना सारा है कि उनमें से हर साल कुछ ना कुछ अलग हो। तो हमने सोचा क्यों ना आज से शुरुआत कर दे। इसलिए आज का जो महात्म्य है वो एक अलग स्कंद पुराण का महात्म्य लेकर आपके साथ हम बातें कर रहे हैं। आप सोचे जी भाई ये तो बात हमने सुनी नहीं, सुनी है कभी तो नहीं सुनी हो, ऐसी बात सुनाने की इच्छा है, इसलिए आज के दिन ये बात सुन लीजिए। कल से फिर से वही कथा तो आने वाली, वही कथा तो रहने ही रहने वाली है, लेकिन ये इस कथा को भी ठीक से सुन। श्री परीक्षित महाराज ने वज्रनाभ को कहा कि तुम थोड़ी भी चिंता नहीं करना, लेश मात्र भी नहीं करना। तो वज्रनाभ महाराज कह रहे हैं कि ठीक है चाचा जी, आप बता रहे हैं हमें किसी प्रकार की ऐसे तो चिंता नहीं है यहाँ पर। हमारे परदादा ने आपके ऊपर उपकार किया ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके दादाजी ने अर्जुन महाराज ने भी हम पर ऐसी कृपा की है और हमें ऐसी ऐसी विद्या दी है कि जिसके कारण हम भी बड़े धनुर्धर बन चुके हैं, ऐसा वज्रनाभ बता रहा है। तो पितृ उपकृतम उपकृतश्चाहम धनुर्विद्या प्रदानतः तस्मान नल्पापि मे चिंता। इसलिए धनुष के बारे में, सैन्य के बारे में, लड़ने के बारे में, शत्रुओं के बारे में हमें कोई चिंता ही नहीं है, न पैसे के बारे में, न खजाने के बारे में, लेकिन एक चिंता है, किंतु एका परमा चिंता। बोले कौन सी चिंता है? बोले मैं मथुरा का इतना बड़ा राजा हो गया हूं, हमने ऐसा सुना था कि यहां पर व्रज में बहुत सारा आनंद 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 है, वो सब दिख नहीं रहा है। मालूम नहीं क्यों कहां गई ये व्रज की प्रजा, व्रजवासी सब लोग कहां गए, कहां गई ये सब प्रजा। वह गता वही प्रजा अत्रत्या यत्र राज्यम प्ररोचते। महाराज ये क्या बात है हमको बताइए ना। और तब परीक्षित महाराज ने शांडिल्य ऋषि को बुलवाए हैं, शांडिल्य ऋषि पधारे हैं, सभा में पधारे, उनका पूजन किया, अर्चन किया और शांडिल्य ऋषि को प्रणाम करके कहा कि महाराज आप ही बताइए कि ये व्रज का इतना महात्म्य है, सब लोग व्रज वृंदावन नंदगाम बरसाना गोकुल इनकी बातें तो सब लोग करते हैं, लेकिन आज वहां सब सारा का सारा सब सुना 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 पड़ रहा है, हमें ये समझ में नहीं आती है बात, आप ही कुछ बताइए ना। शांडिल्य महाराज बोले अभी के अभी बताए क्या? बोले हाँ अभी के अभी बताए। बोले अभी तो 7 बज गए, कल दोपहर को 3 बजे बताएंगे। तो बोले अभी? बोले अभी आरती करेंगे, पूजन करेंगे और आज की कथा को विराम देंगे। आप कब से हमें हमारी माँ बता रही थी कि 2:30 बजे से सब लोग माताएं ये सब कलश वगैरह लेकर वहाँ पर सब तैयारी में थे, तो आज बहुत थके पके हुए भी हैं आप सब, तो आज के दिन विराम हो और कल आगे की बात और श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य वगैरह कल ही 3 बजे कथा का मंडल प्रारंभ होगा। तब तक के लिए विराम लेते आइए, भगवान नाम का आश्रय लेते हुए श्री राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण जय राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राम जय श्री कृष्ण बोलो जय राम जय श्री कृष्ण बोलो जय राम।
बोलो जग पर वाई अंधेरों भरो
बात